परफेक्ट सेटअप M50 Mark II Sennheiser का ये MK800 इज द परफेक्ट सेटअप फॉर YouTube. इससे बेटर आपको कुछ नहीं मिल सकता. व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. आज है वीकेंड, में घर पे था, थोड़ा सा काम कर रहा था एंड उतने में ही मुझे सेनहाइजर से कॉल आ गया दैट माय माइक इज रेडी. सो द थिंग इज, मैंने एक M50 के लिए एक थोड़ा छोटा सा पोर्टेबल माइक खरीदा है. शॉर्टकट माइक है जो ऊपर लगता है, छोटू सा है इतना सा, एंड सेनहाइजर MKE 200. तो द थिंग इज आई गॉट इट, बट जैसे उसको मैंने अनबॉक्स किया था तो वो काम नहीं कर रहा था एंड आई गॉट वेरी फ्यूरियस कि नया माइक लिया और काम नहीं कर रहा है. तो मैंने फिर उसे सर्विस सेंटर में दिया है एंड सो माय माइक इज लाइक अमंग्स द फर्स्ट माइक इन मुंबई व्हिच देव रिसीव्ड. तो अपेरेंटली बहुत लोगों ने ये माइक खरीदा नहीं है जबकि बहुत अच्छा है. इसका कुछ प्राइस 7600 रुपीज या 8000 का कुछ है. काफी लोग नहीं लेते इसको, बट इज अ वेरी गुड माइक. सो आई कॉन्टेक्टेड सेनहाइजर एंड द थिंग इज कि उन्होंने बोला कि अंदर की कुछ वायरिंग होती है, वो एक वायर कुछ लूज थी जिसके वजह से माइक काम नहीं कर रहा था. सो पहले मुझे लगा था कि ये माइक नहीं चलेगा तो लोग रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, पर रिप्लेसमेंट कुछ नहीं है, वो वायर फिक्स करके वो लोग मेरे को अभी दे रहे हैं. सो इट्स अ न्यू माइक. इसका मैं आपको अभी अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ और अभी इसका कैमरे का ऑडियो तो बहुत ज्यादा ऑल आ रहा होगा तो वो अटैच करता हूँ और उसका बॉक्स दिखाता हूँ और फिर उसकी ऑडियो क्वालिटी दिखाता हूँ कैसी. लेट्स क्विकली रीच, मेरे को 4:30 तक पहुँचने बोला था और अभी कहाँ गया, 4:15 हो गए हैं. तो मुझे अभी अंधेरी ही पहुँचना है एंड आई हैव जस्ट रीच करेगा. सो क्विकली वहाँ पहुँचते हैं. इसमें ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, ज़ूम मस्त है. वो बिल्डिंग में जाना लाल वाली. हेलो, माइक चेक. हेलो. चलो, थैंक यू शुक्ला जी फॉर द क्विक फिक्स. मोस्ट वेलकम. ये जल्दी फिक्स हो गया, एक दिन में ही फिक्स हो गया था. थैंक यू. और मुझे जो है मेरा माइक फाइनली मिल गया और अभी मुझे पता नहीं इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही होगी बिकॉज ये ऑटोमेटिक मोड पे नहीं है, ये मैंने मैनुअल मोड पे सेट किया और मैंने इसका डेसिबल्स थोड़े से कम कर दिया ताकि थोड़ा एम्बिएंट नॉइज थोड़ी कम करे. इस पे मैंने विंड फिल्टर अभी तक नहीं लगाया तो ये एज इट इज में आपको मैं दिखा दो. इसकी बॉक्स के अंदर क्या क्या था वो भी दिखा देता हूँ. अनबॉक्सिंग तो ऑब्वियसली बहुत पहले ही कर दी थी तो मैं एक मिनट ज़रा इसको दिखाता हूँ. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. ये एक्चुअली सबसे बेस्ट सेटअप है व्लॉगिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए. कैनन M50 बहुत ही छोटी बॉडी है और ये जैसा आप देख रहे हो सेनहाइजर MKE 200 ये बहुत ही छोटा है. तो अगर मैं इसको अगर लगाऊं तो ये इतना है खाली, लाइक पहली 1.5 inches. तो परफेक्ट सेटअप. और अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं. अनबॉक्सिंग में ये बॉक्स आता है, यार इसको पैक करना पड़ेगा दोबारा से मेरे को. ये देखिए, ये कुछ पेपर वर्क है जो पहली बार एक्चुअली मुझे यूज़ में आए हैं क्योंकि ये चल नहीं रहा था तो मैंने ये पूरा खोल के चेक करा था ये चलेगा कैसे. तो ये पहली बार जिंदगी में किसी को काम आया हुआ. एंड दिस पाउच जो कि कभी यूज़ नहीं होने वाला है, अच्छा नायलॉन है या वो क्या बोलते हैं, जर्सी मटेरियल का कुछ है. और ये इसका डेड कैट विंड फिल्टर, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और काफ़ी छोटू सा है, मतलब इतना वो नहीं और बड़ा मुलायम सा है. और इसके अंदर एक ही आता है वो TRS TRA पता नहीं क्या क्या होता है, मेरे को नहीं पता. ये स्मार्टफोन का ये है केबल है और एक केबल है जो मैंने इसमें लगाया हुआ है जो कि कैमरे का है. दैट्स इट, इट कंप्लीट्स द अनबॉक्सिंग. थैंक यू. सो फाइनली बैक होम.
से पड़ा है, मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सेम जगह से जहाँ से मैंने कैमरा लिया। और कैमरा की अनबॉक्सिंग, कैमरा इससे पहले लिया था बट कैमरा की अनबॉक्सिंग ये वीडियो के बाद आएगी, क्योंकि ये छोटा सा व्लॉग है, 3-4 मिनट का बनेगा, तो आई थॉट ये अभी डाल देता हूँ। तो माइक सुपर है, बट एक चीज़ है कि व्लॉगिंग के लिए सबसे बेस्ट आईफोन होता है, उससे बेटर मेरे को अभी तक कुछ लगता नहीं है। और इतने बड़े बड़े कैमरा से व्लॉग करने में इतना ज़्यादा मेरे को नहीं मज़ा आता है, बट ये कैमरा मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी टाइम से कैमरा था, तो मैंने कैमरा अपग्रेड किया। एंड माइक इसलिए लिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज वीडियो के साथ साथ उसका ऑडियो भी सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो जिन जिन को मेक्स इन फोकस 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 सो जिन जिन लोगों को ये ठीक लगता है ले लो, सही है, इन्वेस्टमेंट है। सेनाइजर है, जर्मन कंपनी है, 2 साल की मोर ओवर वारंटी देती है। आई डोंट थिंक कोई और ब्रांड ये इतनी वारंटी देता है, और थोड़ा रिलायबल ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है। जिसको लैवियर टाइप का माइक चाहिए, लेपल टाइप का माइक चाहिए, उनको बोया का लेना चाहिए। बट बोया का जो शॉटगन माइक है वो अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज उसमें विंड प्रोटेक्टर नहीं। इसमें ये है, क्या बोलते हैं, इनबिल्ट शॉक अब्जर्वर है, क्योंकि इसमें वैसा वो यू रिंग नहीं आती, तो इसमें इनबिल्ट शॉक अब्जर्वर है। हालांकि इतना अच्छा नहीं है, मैंने दूसरी वीडियोज़ में देखा है। और इसमें एक विंड डिफ्लेक्टर भी है जो मैंने दिखाया था, अभी तो मैंने इसको नॉर्मल यूज़ किया है, सो ठीक ठाक ही चल रहा होगा। सो एंड वन मोर थिंग, दिस इज़ अ प्लग एंड प्ले, तो इसमें कोई बैटरी नहीं होती, आपके कैमरा की इंटरनल जो बैटरी है उससे ये चलता है। बाकी आवाज़ तो ठीक ठाक आ रही होगी, बस मेरे को ये लगता है। ऑन दैट वेरी नोट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। काफ़ी छोटा बना होगा शायद, ये मेरे लास्ट की बकवास से थोड़ा बड़ा हो गया हो, बट मेरे को लगता है कि 3-4 मिनट का बना होगा, तो बहुत ही छोटा सा वीडियो है। अगर ठीक लगता है तो लाइक कर दो, और अगर कंटेंट ठीक लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक मिनट, मुझे ये चीज़ करनी है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, बस मुझे यही करना था। तो बाय।